तो कैसे हैं आप सब। और आज मैं आया हूँ गुजरात के जन्नत में। इस जगह का नाम है मांडन और ये जगह इतनी खूबसूरत है मैं आपको सारी जगह दिखाता हूँ। सूरत से एकदम पास में लगभग 125 किलोमीटर है। सामने पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के नीचे 10-20 कच्चे मकान है, छोटा सा गांव लग रहा है और ये वहाँ पर वो जो है लेक है और ये पूरी खुली जगह है जहाँ पर पानी आता है, लेकिन अभी पानी नहीं है इसलिए हरियाली है और ये सारे मवेशी यहाँ पर चरते हैं। तरफ पानी है और पानी के बीच में छोटे छोटे टापू है, कम से कम 4-5 टापू है छोटे छोटे। वैसे तो इसको छोटू लेक बोलते हैं, गूगल पे सर्च किया था छोटू लेक, लेकिन इस जगह का नाम है मांडन और काफ़ी खूबसूरत जगह है। चारों तरफ पहाड़ियाँ है, पहाड़ियों के बीच में हरियाली है और बीच में बड़ा सा एक लेक है, काफ़ी बड़ा लेक है। मेरे ख्याल से ये आगे डैम होगा कोई। बहुत बढ़िया जगह है, एकदम सुकून वाली जगह है। पर भी सारी बोट्स रखी हुई है, क्लाउड्स की शैडो जो है वो नीचे तक आती है पहाड़ों के ऊपर, जो काफ़ी बढ़िया दिखता है। जो उत्तराखंड में जो फील आता है ना कहीं कहीं पे, उस टाइप का फील है। देखो पूरा भरा हुआ पानी है, इतना लंबा चौड़ा कई किलोमीटर में फैली हुई है ये झील। तो मांडन जो जगह है बहुत खूबसूरत है, गुजरात का कश्मीर है ये मेरे लफ्ज़ों में। सूरत और बड़ौदा के आसपास से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तो किसी इतनी पहचान नहीं मिली है, लेकिन खूबसूरती की तारीफ़ करूँ जितनी कम है यहाँ की। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। चार्ज लेते हैं और सेफ्टी का कुछ है अंदर अगर डूब डूब जाए तो? जय राम जी की ना, नहीं डूबेगी। वो जैकेट वैकेट नहीं है? डूबेगी नहीं, तुम बचा लोगे गिर के। अच्छा, और क्या चाहिए, पानी है, हवा है, पहाड़ है, तो नेचर पूरा यहाँ पर मेहरबान है इस जगह पर। तो अभी नाव की यात्रा कर रहे हैं और हमें यात्रा करवा रहा है श्याम। तो काफ़ी बढ़िया एकदम नज़ारा है यहाँ पर, साउथ गुजरात का मिनी कश्मीर है ये मांडन। पीछे गर्जन डैम है तो ये सारा पानी उस डैम में स्टोर होता है और वहाँ से फिर धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं। तो बहुत बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। श्याम भाई ये क्या है ये जो दिख रहा है? ये सूखा हुआ पेड़ है। क्या है? पेड़, सूखा हुआ पेड़। हाँ। तो पूरा पेड़ है नीचे पानी के, ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है। और सीन सीनरी बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर आपको आना हो तो सबसे बेस्ट है जून और जुलाई, क्योंकि उस समय पानी नॉर्मल और अच्छा रहता है। जुलाई के बाद यहाँ सारे जितने भी आपको टापू दिख रहे हैं, ये सारे पीछे छोटे छोटे टापू, ये सारे टापू पानी के अंदर चले जाते हैं। बस यही बाकी रहता है, यहाँ तक पानी पहुँच जाता है ऊपर तक, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं। बाकी ये घास जितनी दिख रही है, ग्रीनरी जितनी भी है, ये सारी पानी में चली जाती है। इधर भी जो टापू दिख रहे हैं वो सारे पानी में चले जाते हैं। तो जून और जुलाई बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए और बहुत बढ़िया जगह है। सूरत और बड़ौदा से पास में है, लगभग 100 किलोमीटर है दोनों जगह से, सेंटर पड़ता है ये, राजपिपला के पास में है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर आप जा रहे हो बड़ौदा से या सूरत से, तो यहाँ होके जाना बनता है बॉस।
मुश्किल काम है, काफ़ी दम लगाना पड़ता है। अगर मैंने 10 से 15 बार कर लिया तो मुझे पता है कि आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। और हवा के विपरीत दिशा में नहीं चल रहा है, इसके लिए ठीक है। 10 12 15 चप्पू चलाए और हाथ दर्द करता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है वैसे, लेकिन मुश्किल काम है। निखिल को भी मज़ा आ गया आज, एकदम फ्रेश हो गए। फ्रेश हो गए, ये बात सही है, एकदम बढ़िया। वापस ले जा रहे हो आप अभी? चलो चलो, श्याम भाई ने काफ़ी बढ़िया हमको नौका विहार करवाया, थैंक यू श्याम भाई। अभी बसेरा करने की तैयारी है, क्योंकि आज रात यहीं पे गुजारनी है, इसी किनारे पर कहीं पे, तो खाना पीना भी यहीं करना है, रात भी यहीं गुजारनी है। तो आपको दिखाऊंगा मैं, और सोएंगे तब आपसे बाय बाय करेंगे। एकदम, और अभी करेंगे खाने की तैयारी, खाना वाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, बाकी सीन सीनरी आप देख लो एक बार। तो सनसेट का नज़ारा देखो, कितना बढ़िया नज़ारा है सनसेट का। और ये अपनी पेंगोंगसो लेक, अपने लिए तो यही पेंगोंग लेक है, इतनी सुपर जगह है कि पूछो मत। मुझे नहीं पता था कि सूरत के पास में इतनी बढ़िया जगह है, और वो भी 100 किलोमीटर के आसपास में। तो अभी तैयारी करते हैं खाने की फटाफट, क्योंकि रात हो जाएगी पूरी तरह से तो फिर मच्छर गिरते हैं उसमें, इससे पहले कि पूरी तरह से रात हो खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आग, और इसके लिए हमने यूज़ किया एकदम नेचुरल चीज़ें, लकड़ी और गोबर। गोबर यहाँ पर मिल गया मुझे सूखा हुआ, और लकड़ी मिल गई, तो इससे हमारी आग लग जाएगी सूखी लकड़ी और गोबर से। और अभी हम बनाने वाले खाना, तो खाना बनाते हैं फटाफट, क्योंकि अभी मच्छर बहुत आने लगे हैं। देखो मच्छर, इधर थोड़ा सा लाइट का अरेंजमेंट किया मैंने, लेकिन मच्छर आने लगे। फाइनली खाना बन गया है, हवा बहुत तेज़ थी तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन खाना बन गया है, अभी खा के सोएंगे। और बड़ा मज़ा आ रहा है, देखो मेरे बालों से आपको पता चल रहा होगा क्या हवा है, यहाँ सारा पानी है, किनारे पर ही मैं बैठा हूँ और यहीं पर कैंपिंग कर रहा हूँ, आज रात को यहीं पर सोने वाला हूँ। मैंने आपको दिखाया टेंट लगाया था, तो बस खाना खाएँगे और टेंट में जाके और मस्ती से सो जाएँगे। मेहनत रंग लाई, मज़ा आ गया। खाना वही होता है जो हम घर पर बनाते हैं, लेकिन माहौल का फ़र्क पड़ता है। चारों तरफ पानी है, टापू पर मैं इस वक्त हूँ, मेरी रात यहीं गुजरने वाली है। टेंट भी मैंने लगा दिया था, खाना भी बन गया है, तो बस अब खाने खा रहे, और खाना बहुत बढ़िया बना है। पर्सनल एक्सपीरियंस करो, अगर आपको इस तरह से नज़दीक में कोई अच्छी जगह मिलती है तो कैंपिंग करो, बहुत बढ़िया लगता है और बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। खाना बहुत मज़ेदार है, खाना खाऊंगा और उसके बाद में सो जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप नए हो तो। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन मिलता है फिर से आगे नया काम करने के लिए। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना, शुक्रिया और शुभ रात्रि।